गुड मॉर्निंग. आज हम फाइनली दिवाली प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं. आई नो इट मे बी टू अर्ली बट फॉर सम इट मे बी टू लेट ऑल्सो कि अब स्टार्ट कर रहे हो. सिंस इट्स थोड़ा फेस्टिव I would like to pay my respect to my parents and have a bath the first thing in the morning. अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि मैं नहाने की बहुत बड़ी चोर हूँ. मैं तो नहाना पसंद है बट मैं जल्दी से जाती नहीं नहाने. पर आज सिर्फ और सिर्फ मेरे माता पिता के लिए मैं नहाने जा रही हूँ. फर्स्ट अभी तक आज का आउटफिट प्लान नहीं किया है तो दिस हैज अ लॉट ऑफ ट्रेडिशनल कपड़े. तो आई एम थिंकिंग कि आज मेरे को तो कुछ मस्त पहनना है यार. तो आई एम गोइंग टू वेयर प्लेन ब्लू पैंट, प्लेन ब्लू कुर्ता विद अ फ्लोरल ब्लू दुपट्टा. मैं सीधे नहा के इस आउटफिट में मिलती हूँ. ऑल्सो लास्ट थिंग बिफोर अ गो टू बाथ, पक्का मैं इसके बाद आने जा रही हूँ. इस करेंटली मैं बहुत ज़्यादा म्यूजिक सुनती हूँ मेरे बाथरूम में और मैं चिल्ला चिल्ला के गाती हूँ नहाते वक्त. लेट मी नो कि आप भी बाथरूम में म्यूजिक सुनते हो कि नहीं. तो आई फील लाइक आई एम नॉट द ओनली वन. ओके वी आर बैक. सो आई डू नॉट फील लाइक अप्लाइंग मेकअप टुडे. तो आज अपन नहीं लगाते. आई डू वॉन्ट टू डू माई हेयर दो क्योंकि आई एम स्टिल एंजॉइंग द न्यू हेयर कट फेज. तो पहले अभी अपन खा लेते हैं ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम बनाएंगे टू डू लिस्ट. तो बहुत लंबा होने वाला है बट वी कैन डू दिस. फेस्टिवल्स में एंजॉय करने के साथ साथ फिर काम भी करना पड़ता है. मम्मी ने डाल दिया है हमें संकट में. यहाँ पे हमारे काफी मनपसंद एक सब्जी रेडी है, वहाँ पे डिनर भी रेडी. तो शी इज लाइक इफ यू वॉन्ट यू कैन हैव डायरेक्टली दैट रोटी सब्जी. तो आज हम उपमा ना खा के रोटी सब्जी खाएंगे. मम्मी वॉन्टेड दिस बट इतने वाइडे तरीके से मांगा है ना. I want you to listen to how she is giving me the instructions. आप ये ले सकते हैं लेकिन प्लीज आप पहले सबको बताइए कि आपने किस तरीके से हमसे मांगा था. मैंने मांगा लेमन जूस की बोतल लेके आओ फ्रिज से बिना तोड़े बिना फोड़े. मैं इतनी बार करती हूँ. हाँ. 10 में से कितनी बार होता है मेरे से? होता है ना एक बार भी. लेकिन होता है ना एक बार नहीं. एक्चुअली हाँ. मेरे से ना 10 में से 4-5 बार तो होता ही है गड़बड़. जस्ट हैड टू टेल यू दिस कि आई एम आल्सो क्लमजी. एंड वन मोर थिंग इज कि चश्मा साफ करना इज वन ऑफ द मोस्ट अननोइंग टास्क बट इट इज सो नेसेसरी. बट आई एम सो लेजी. मैं 2 दिन तक खराब विजन से देखूंगी लेकिन चश्मा साफ करने में आलस करती हूँ. पर आज हम करेंगे, अभी हम करेंगे. आई तो क्लीन माइन विच इज कॉटन का रुमाल. हाउ डू यू क्लीन योर स्पेक्स? लंच इज सर्व्ड एंड कितना सुंदर लग रहा है. लाइक द स्पून इज मैचिंग माय ड्रेस. क्विकली गोइंग टू मेक द लिस्ट टू बी डन टुडे. ओके सो फर्स्ट थिंग है मिक्सर. आई टेल यू मिक्सर को हुआ क्या एग्जैक्टली. फिर गणपति एंड श्रीनाथ जी के छोटे छोटे आइडल्स लेने. रंगोली के लिए कुछ कुछ लेना था, देखते अभी क्या अवेलेबल है. लाइट्स को चेक करना है, अगर ज्यादा नहीं है तो नहीं लेनी है. इतनी क्लीनिंग की जरूरत है ना मेरे को. हैव टू शेयर यू माई करंट फेवरेट हेल्दी चाट रेसिपीज फॉर दिवाली. हैव टू स्टार्ट स्किन प्रेप अच्छे से. मिक्सर में यू नॉट बिलीव ऑलमोस्ट ऑल द मिक्सर्स दैट वी ओन हैव ब्रोकन ऑल ऑफ दिस. लेट्स रश टू द मिक्सर प्लेस फर्स्ट क्योंकि वो दोपहर को बंद हो जाता है. वी हैव रीच्ड रिवर द मस्क. तुम्हारा एक मिक्सर मिल गया वापस? यस मिल गया. अभी 2 हम लेंगे फ्राइडे. तो मिक्सर इज डन. अभी नेक्स्ट किधर जाने का है? गणपति एंड श्रीनाथ जी. तो लेट्स गो टू गेट छोटू गणपति एंड छोटू श्रीनाथ जी. लेट्स चेक ऑफ फ्रॉम द टू डू लिस्ट. बाहर अपना आज मिक्सर हुआ, गणपति एंड श्रीनाथ जी नहीं हुआ. आई कुड फाइंड गणपति पर कुड नॉट फाइंड श्रीनाथ जी. तो मैंने गणपति भी नहीं लिए. रंगोली का मिला नहीं है बट आई फील साफ सफाई में मिल जाएगा. लाइट्स भी हम अभी चेक करने बैठे रहे, क्लीनिंग भी हो ही रहा है. रेसिपी आई विल शो यू डिनर के आसपास. आई जस्ट स्टार्ट स्किन प्रेप. Now, today I'm going to do a sheet mask and I'm very confused between the charcoal and the Hydra Bomb. लेकिन मुझे लगता है I'll just go with Hydra Bomb क्योंकि charcoal ना मेरे impurities बहुत अच्छे से निकाल देता है. तो I plan to use this more closer to Diwali. Like वैसे भी right now I just want to lock a lot of goodness inside, like lock moisture inside. Hydra Bomb, I'll show you the packet. This is our mask. Quick hack, I had refrigerated this. So, उससे और भी मस्त लगता है. My desi self or being myself, I'm not chindi like that. Like I will spend money. कुछ सामान पैकेट के अंदर आया है ना, मैं उसको पूरा यूज करती हूँ. So I use this thing on my hands and especially on my feet as well. Because then I have really soft feet. तो भाई मैं तो 100 रुपए में मेरा पूरा बॉडी का काम निकलवा लेती हूँ. सो दिस पर्टिकुलर वन, इसमें एंटी ऑक्सीडेंट पोमोग्रेनेट है. तो इट हेल्प्स इन हाइड्रेटिंग द स्किन अ लॉट, विच इज़ इसका नाम हाइड्रा बॉम है. एंड एक हफ्ते का सीरम एक मास्क में आ जाता है. तो यू कैन जस्ट डू अ मास्क अ वीक एंड get away with it. Actually get away kya, it is just one good thing about sheet masks is that it's suitable for all skin types. There's a basket of sheet masks at my home. So Himani's tried it, Kumar's tried it, Mom has tried it, Dad has tried it, I have tried it. We're all different skin types only and sabko to suit kara hai abhi tak. Chalo abhi iske sath sath let's start with organizing. 15 minute mein jab isko nikalne ka time hoga tab milte hain.
15 मिनट में तो ये एक ड्रॉवर थोड़ा मैंने ठीक ठाक किया है. और दिस इज वन थिंग आई फाउंड इन दीज ऑर्गेनाइजर्स. इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दीज ऑर्गेनाइजिंग कंटेनर्स लाइक बेसिकली हाउ टू ऑर्गेनाइज योर लाइफ बेटर विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स तो मुझे बताना. आई विल मेक इट. सभी निकालने का टाइम है. बात बात में मैं एक्साइट हो जाती हूँ बताया. बट आई एम अ बच्चा ओनली फ्रॉम हार्ट. ओके इसमें अभी भी थोड़ा सीरम है व्हिच आई स्टिल यूज ऑन द रेस्ट ऑफ माय बॉडी एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. एट लीस्ट आई थिंक सो. माय मॉम तो मेक्स फेसेस ओनली एवरी टाइम आई डू दिस. ओके बट अबाउट द फेस एक्सेस सीरम जो है ना उसको हल्के हल्के से टैप करके लेट इट एब्जॉर्ब इनसाइड नेक पे डाल देने का फिर एंड यू आर डन. मेरे को तो लग रहा है फेस्टिव वाला फील तो आई एम हैप्पी. तो बेसिकली दिस इज लाइक फॉर डल एंड डिहाइड्रेटेड स्किन. सो इफ यू फील लाइक योर स्किन इज गेटिंग ड्राई एंड इट नीड्स सम मॉइस्चर यू कैन ट्राई दिस आउट वेरी वेल एज वेल. 15 मिनट में इट विल गिव लाइक एन इंस्टेंट बूस्ट ऑफ हाइड्रेशन. आई डेफिनेटली फील लाइक दैट. सो लेट्स कीप गोइंग ऑन विद रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो दिवाली का सामान एक्चुअली वार्डरोब्स के ऊपर है. एंड रिटर्न ऑफ द लता ताई. हाय. अभी हम आपको ले चलते हैं ऊपर जहाँ दिवाली का सामान है. हम जा रहे हैं. आपको पता है लेकिन ऐसा नहीं बोलते. सिर्फ नीचे से पंखा नहीं पूछते. आज मैं आपको सिखा रही हूँ ऊपर से भी पूछते. चार में से वैसे तीन चल रही है. अ टिप विल बी कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग सस्ता लाइट्स नो गेट गुड क्वालिटी लाइट्स जो साल साल चले. लाइक ये कितने साल चले अपने को? छह साल. वी हैव बीन यूजिंग दिस लाइट्स इन 6 years. ये भी 5-6 साल हो गए हैं. तो मैं 3-4 साल तो होगा ना. तो गेट गुड क्वालिटी स्टफ ना लास्ट फॉर लॉन्गर. अभी साफ सफाई के लिए बस आज के दिन में एक ही रूम एंड आई वोंट बी डूइंग द होल होम का सफाई बिकॉज वो मुझे हाउस टूर के लिए सेव करना है व्हेनेवर वी अपलोड दैट. अभी रंगोली का कलर थोड़ा देख के सब हार वगैरह लगाना है लक्ष्मी जी के पैर लगाने हैं तो अभी वो करने जाते हैं रंगोली. आई एम ग्लैड कि ये बैग्स अभी नहीं हैं बंद हो गए. रियली गुड. सेम मेरे ड्रेस का कलर. और ये रंगोली बुक ऑल्सो वैसे जो मैंने लाइफ में आज तक फॉलो नहीं किया है. अभी एक्चुअली मैं घर के बाहर बैठी हूँ बट इतनी अच्छी हवा चल रही है ना एंड थोड़ा आवाज़ एको हुआ क्योंकि पैसेज है. बट आई वॉन्ट टू शो यू 2 DIYs इन दिस वीडियो. ईजीएस्ट दिवाली DIYs यू विल सी ऑन यूट्यूब. दीज आर लेजी गर्ल DIYs. तो पहला वाला इज़ अ वेरी वेरी सुंदर दिया अरेंजमेंट. सो फर्स्ट थिंग है ये वाला दिया टाइप. सो ऑल यू नीड फॉर दिस इज अ सर्कुलर मिरर और एनी शेप का मिरर दैट यू वॉन्ट. एंड ये जो फ्लावर्स है ना ये रेडीमेड मिलते हैं मार्केट में एंड ऐसी कटोरी भी रेडीमेड मिलती है. तो बस आपको स्टिक करना है एंड इस पर पर्ल्स वर्ल्स भी आप लगा सकते हो जैसे इस वाले पे है. एंड इसके अंदर फिर सिर्फ क्या करना पता है? एक टी लाइट कैंडल लेकर इसके अंदर डालना है एंड देन यू कैन लाइट इट एंड इट लुक्स सो सुंदर. इट्स सो सुंदर. ओके सेकेंड DIY दैट आई हैव टू शो यू इज अगेन सुपर इजी बट सुपर लेजी व्हिच इज कोई भी कांच के बर्तन में जस्ट पुट फेरी लाइट दैट्स इट एंड इट लुक्स लाइक अ वेरी फैंसी शो पीस. तो ये वाला मेरे पास था. इवन इफ यू हैव अ ग्लास उसमें भी आप डाल सकते हो. एक अच्छा सा कांच का बोल उसमें भी डाल सकते हो बट इट लुक्स सुपर गुड. ये अभी तक मैंने सिर्फ इतने DIY सोचा. अगर और आएंगे तो यू विल सी इन द फ्यूचर दिवाली वीडियोस. नाउ आई हैव टू शूट 2 more videos तो वो मैं अभी करने जाती हूँ. थोड़ा सा लैपटॉप ही काम है वो भी खत्म करती हूँ एंड देन आई सी यू डिनर टाइम पे फॉर दोस 2 easy but tasty recipes. For the easy Diwali recipe but healthy is a vegetable. दो तरीके same vegetables को use करने के. तो एक में मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप भेल बना सकते हो like a very tasty chaat. And एक में मिलेंगे बेसन के चिले लेकिन एकदम colorful and एकदम अलग taste वाले. Okay, तो recipe number 1 है इसको लेकर. So जितने भी vegetables आप डालना चाहते हो डाल सकते हो. Even इसमें आप sweet corn भी डाल सकते हो. Even broccoli, red and yellow bell pepper also. So हमने डाली है ये beetroot, green capsicum.
कैप्सिकम अनियन टोमेटो एंड कैरेट। ये है 1 टेबलस्पून सूजी मींस रवा, 1 टेबलस्पून बेसन चने का आटा, 1 और 1.5 दही कट। अभी सब मिक्स कर देना है। आप इसमें और हेल्दी बनाने के लिए ओट्स भी डाल सकते हो। अभी डालेंगे सोल्ट, थोड़ा सा पिंच डालेंगे हींग, मैं यहाँ पे रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ और पिंच हल्दी। एंड बस इसको सबको मिक्स कर 10 मिनट्स इसको रहने दो। बट इन द 10 मिनट्स यू हैव अनदर चाट रेडी। बनाएंगे वेजिटेबल पेल, सारे वेजिटेबल्स जो भी आपके पास घर में है। और ये है 3 चटनी, खजूर इमली चटनी, ग्रीन चटनी एंड गार्लिक चटनी। सबसे पहले सारे वेजिटेबल्स, थोड़ी सी चटनियां सारी, आफ्टर 10 मिनट 8 लीटर वाटर। अब जाके वीडियो शूट खत्म हुआ है पहले का, एंड यू वांट टू सी माय रूम, कैन यू बिलीव ये फिर भी साफ है। मेरे को और काम बहुत था, आई वाज ऑन कॉल फॉर 4 आवर्स टुडे, साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, रीडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, एडिटिंग, लाइक गिविंग द फाइनल एडिट्स फॉर थिंग्स एंड ऑल। बट वो मैं व्लॉग नहीं करती क्योंकि बहुत बोरिंग हो जाता है आजकल, आई पर्सनली फील लाइक दैट, पहले खाना जाता है। डन, सब हो गया। सो इट्स जस्ट द बिगिनिंग ऑफ दिवाली प्रेप एंड आई कांट वेट फॉर दिस टू गो फुल फ्लेज्ड। टू थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो, एक मेरे को बताना है इफ यू वांट द ऑर्गेनाइजेशन वीडियो और नॉट, बिकॉज़ आई एम वेरी कंफ्यूज कि मैं वो डालू कि नहीं। एंड टू, प्लीज स्टार्ट अ स्किन प्रेप, बिकॉज़ बाकी सब तो आप जाके भी कर सकते हो, बट दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप बिल्डिंग ऑन। पर्सनली मैं मेकअप भी प्रैक्टिस कर रही हूँ बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू बी रेडी। जो भी स्किल बेस्ड है अभी से स्टार्ट करो। डू चेक आउट द शीट मास्क, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स below, and the Hydra Bomb one is something that I'm going to be using a little more regularly until Diwali, so I love it, and if you want to try it you can check it out with the link in the description box. Please, I need one more thing, one more advice from you. How does my makeup look? I'm learning, I want your feedback. So in the vlogs main बहुत दिमाग खाऊंगी, बहुत सर खाऊंगी आपका कि मुझको बताओ कैसा लग रहा है, बिकॉज आई नो दैट यू विल गिव मी ऑनेस्ट फीडबैक एंड आई नॉट गोना बी लाइक बहुत अच्छा लग रहा है इवन इफ इट्स नॉट लुकिंग गुड। मेरे को ये भी बताना ठीक है कमेंट्स में कि किधर किधर क्या क्या इंप्रूव करूँ। इफ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, इफ यू डिड नॉट एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो गिव इट अ थम्स डाउन, एंड आई विल सी यू इन अ ब्रांड न्यू वीडियो वेरी वेरी सून। अंटिल देन, गुड बाय।